इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं डीएनए सिंथेसिस में जो होता है ना, ये डीए इसको बात मतलब बता रहे हैं, ये आपका ये है, ये कंटिन्यूस बन रहा है और ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है डीएनए का, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखा जाए कि कौन सी की क्या पोजीशन है, कौन क्या है, तो इसको ऐसे याद रखो भाई, आप बाजार में कोई चीज़ लाते हो तो बाजार में कैसे बोली लगती हैं, 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये ऐसे बोली लगती हैं। तो मैं बोली लगा रहा हूँ 35 रुपये 35 रुपये 35 रुपये, ठीक है, यानी कि 35 35 बाजार में ऐसी मिलती चीज़ें बाजारों में 35 35 की, है ना। तो अगर आप 35 35 की चीज़ें लेके आओगे, तो मान लीजिए मैं एक 35 रुपये की कांच की बोल लेके आया, तो मैंने क्या किया, जब वो ऊपर फेंकी, मैंने छत की तरफ फेंकी, तो वो सीधी सीधी गई बिना टूटे, छत की तरफ तो गई, लेकिन जैसे छत से जाके टकराई टॉप पे, तो टॉप पे टकराती वो टुकड़ों में आके नीचे गिर गई, टुकड़े बन के नीचे गिर गई, या बात बन गई ना कि भाई सस्ती चीज़ लेकर आया 35 35 रुपये की, तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही उछाला ऊपर की ओर, वो टूट गई और फिर वो टुकड़ों में नीचे आके गिरी। ये 3 डैश हैं तो ये 5 डैश हैं, ये 5 डैश हैं तो ये 3 डैश हैं, ये 3 डैश हैं तो ये 5 डैश हैं, ये 5 डैश हैं तो ये 3 डैश हैं। इसको तो बोलते हैं पेरेंटल चेन, ये पेरेंटल चेन है। तो सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है, हमेशा 3' टू, सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, 3 टू 5 प्राइम होता है। देखिए इस साइड भी देख लीजिए आप, 3 टू 5 की दिशा में होता है ऑलवेज सिंथेसिस, हमेशा किस साइड में होगा, 3 टू 5 होगा। नीट 2016 का क्वेश्चन था, ये एकदम लीड कर रहा है ना, बिना किसी टुकड़ों में, तो इसको कहते हैं लीडिंग कहते हैं ना। और ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है, और ये टुकड़ों में है, तो इसको कहते हैं लैगिंग का मतलब टुकड़े, इसी को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट या लैगिंग हैं, वो कहाँ बनते हैं, इससे दूर बनते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर बनते हैं, है ना, दूर बनते हैं ना। ये था क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये कैसा है, सेमी डिसकंटिन्यूस है, देखिए ये तो कंटिन्यूस बना और ये डिसकंटिन्यूस बना, तो कैसी होगी, सेमी डिसकंटिन्यूस। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, 35 35 रुपये की आप चीज़ लेके आए बाजार से और ऊपर फेंकी, तो ऊपर जाके जैसी आपकी वो दीवार से टकराई, ऊपर वाली छत से टकराई, तो नीचे कैसे आई, टुकड़ों में आई। देखिए इसको, देखिए ये कंटिन्यूस सिंथेसिस बता रहा है, इसको कहते हैं लीडिंग और इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस, ठीक है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट और पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज 5 टू 3, 35 35 देख लीजिए आप, है ना, और सेमी है। और ये भी बात समझ में आ गई, और क्या था, थैंक यू, कुछ याद आएगा तो बाद में बताएंगे आपको।